सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली अहम खबर की। प्रदेश के सबसे बड़े अपराध की बात करते हैं, उन लुटेरों की जिन्होंने लाखों निवेशकों को मोटे मुनाफे का सब्ज बाग दिखाकर 16,000 करोड़ ठग लिए और बन गए आदर्श चिटफंड। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी हां ये वो नाम है जो कि करीब साल भर पहले तक निवेश के बदले मोटे मुनाफे के लिए जाना जाता था। आज वही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस क्षेत्र का सबसे बदनाम नाम बन गया है। इसी तर्ज पर संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी ने भी आम जनता और सब्ज बाग दिखाकर जमकर लूटा है आम जनता को। 16,000 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला बन गया है सूबे का सबसे बड़ा फ्रॉड। देखिए खास रिपोर्ट। बीस लाख निवेशकों से धोखा, 17,000 करोड़ का घोटाला, 96,000 पेज में दर्ज कच्चा चिट्ठा। क्या ये देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव क्राइम है? आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाले की जांच कर रही एसओजी तो कम से कम यही मानती है। एसओजी ने राजस्थान की ऐसी 3 क्रेडिट सोसाइटियों आदर्श, संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। 17,000 करोड़ का घोटाला करने वाली इन 3 क्रेडिट सोसाइटियों के खिलाफ दायर कुल 96 पेज की चार्जशीट को खंगालने से पता चलता है कि कैसे जनता का पैसा हड़पने के लिए चालें चली गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं तीनों सोसाइटियों का यह घोटाला कितना बड़ा था। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, 20 लाख निवेशक, 40,000 पेज की चार्जशीट, 14,682 करोड़ का घोटाला। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी, 2 लाख निवेशक, 37,000 पेज की चार्जशीट, 1,100 करोड़ का घोटाला। नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी, 1,90,000 निवेशक, 19,000 पेज की चार्जशीट, 500 करोड़ का घोटाला। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ने 8 साल में 20 लाख लोगों से 14,682 करोड़ निवेश कराए। संचालक मुकेश मोदी की पत्नी मीनाक्षी और बेटी प्रियंका के खातों में बतौर सैलरी कमीशन के 795 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। पूरे परिवार की बात करें तो 990 करोड़ रुपए आपस में बांटे गए। हैरानी वाली बात यह है कि प्रियंका को 3 साल में 75 करोड़ वेतन दिया गया, यानी हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए, जबकि देश के सबसे अमीर उद्योगपति रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी को हर माह करीब 1,25,00,000 रुपए मिलते हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह माने जाने वाले रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी सालाना तनख्वाह 15 करोड़ फिक्स कर रखी है, यानी महीने के 25,000। उनके बोर्ड में वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले निवेशकों को भी सालाना 20,75,00,000 रुपए मिले, जबकि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में काम कर रही संचालक मुकेश मोदी की बेटी प्रियंका को 3 साल में 75 करोड़ रुपए बतौर तनख्वाह दिए गए, यानी हर महीने 2 करोड़। वहीं मुकेश मोदी के बेटों और दूसरे निदेशकों को 3 साल में बतौर तनख्वाह 270 करोड़ रुपए दिए गए। यही नहीं, संचालक की पत्नी मीनाक्षी को 3 साल में लोन के कस्टमर लाने के नाम पर बतौर कमीशन 720 करोड़ का पेमेंट किया गया। आज ये देखा गया है कि इन सोसाइटीज में जो इनके प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग बड़ी ही हेफ्टी अमाउंट एज ए रिन्यूमरेशन ले रहे हैं और वो तथ्य भी अनुसंधान में रिकॉर्ड में लिया जाता है और उसी के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ने 28 राज्यों में 806 शाखाएं खोली, इनमें से 309 राजस्थान में थी। लोगों को झांसा दिया कि उनके निवेश की हुई रकम कंपनियों और लोगों को 22% की ऊंची ब्याज दर पर लोन के रूप में दिया जा रहा है। इस झांसे में आकर 8 साल में 20 लाख लोगों ने 14,800 करोड़ रुपए का निवेश सोसाइटी में किया। इनके संचालकों ने रिश्तेदारों के नाम से ही 45 फर्जी कंपनियां खोली और सोसाइटी में निवेश की गई रकम में से 12,414 करोड़ रुपए इन्हीं फर्जी कंपनियों को बतौर लोन देना दिखा दिया। सोसाइटी में लगे लोगों के पैसे से संचालकों ने पूरे देश में संपत्तियां खरीदी। अब पूरे मामले में चार्जशीट तैयार कर ली गई है। देखना होगा कि निवेशकों को न्याय कब और कैसे मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।